नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी कुछ खबरों पर आज हम नजर डालने वाले हैं। वैसे तो यहां रोज कुछ ना कुछ होते ही रहता है। नाइजीरिया से यह खबर है, मस्जिद में घुसकर फायरिंग की गई और इमाम सहित 5 लोगों को मार दिया गया है, यानी के 5 नमाजियों को मार दिया गया है। इस वारदात को जुम्मे के दिन अंजाम दिया गया। मस्जिद में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की गई और 18 लोगों को घायल कर दिया गया। यह हमला उस दिन हुआ जब लोग वहां नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद हमलावर बाइक से जंगल की ओर फरार हो गए। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल ले गई और जांच के बाद 5 लोगों को मृत घोषित किया गया। ऐसी ही एक घटना श्रीलंका में हुई थी, लेकिन क्राइस्टचर्च की मस्जिद पर हुए हमले की उन्हें याद नहीं आई। वहां भी इसी तरह के वारदात को अंजाम दिया गया था और एक हमलावर को पकड़ा भी गया था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की हर और तारीफ हुई थी। वह महिला प्रधानमंत्री थी और उन्होंने हर जगह से अजान पढ़वाना शुरू किया था, यहाँ तक के रेडियो से अजान पढ़वाना भी उन्होंने शुरू किया। लेकिन यहाँ सवाल उठाना इसलिए अहम है कि न्यूजीलैंड की उस घटना पर भी खामोशी थी और आज नाइजीरिया की इस घटना पर भी मीडिया ने खामोशी बनाए रखी है और सरकारी तौर पर भी खामोशी नजर आ रही है, क्योंकि सत्ता को यही सूट करता है। लेकिन जब घटना फ्रांस में होती है और वो भी तब जब एक मजहब के पैगंबर का अपमान किया जाता है, उनका कार्टून बनवा दिया जाता है, उनको उकसाया जाता है, तो उस घटना के बाद मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकार हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इमाम सहित 5 लोगों के जान जाने पर भी और 18 लोगों के घायल होने पर भी मीडिया आखिर चुप कैसे हो सकती है?